भाई एक्साइटमेंट हो रही है पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा। भाई यार मैं देखता रह रहा हूँ यार इन्हें। तो फाइनली हमारे शूज आज आ चुके हैं और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पूरे यूट्यूब पे मुझे इस शूज़ के बारे में कोई रिव्यू वीडियो नहीं मिला, जस्ट एक कंपैरिजन मिला था तो उसमें भी रिव्यू तो नहीं करा था। तो मैं आज आपको रिव्यू दिखाऊंगा इस वेट लिफ्टिंग शूज़ का, आरएक्सन हरकुलिस का। तो फटाफट से अभी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। भाई दिख काफी सेक्सी है भाई, यार क्या शूज है भाई, दिल आ गया भाई, दिल आ गया। नॉर्मल जो शूज आते हैं आरएक्सन के जिसमें वुडन हील होती है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। पहली बात है, जैसे मैंने इसको उठाया हाथ में तो ये उस शूज से बहुत ज्यादा भारी है। मतलब डबल स्ट्रैप्स हैं इसमें जो कि अंदर से जाते हैं नाइकी रोमालियोस की तरह। टीपीयू हील है इसमें, ये रबर की कोटिंग है ये नीचे ताकि ग्रिप अच्छे से बने, और ये बीच में एक एयर स्पेस है ताकि जब अब नीचे प्लांट हो फुट तो अच्छे से आवाज़ करे। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि ये शूज़ ज़मीन पर गिरने के बाद कैसी आवाज़ करते हैं। सो डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज मैं इसको देता हूँ 10 out of 10, और परफॉर्मेंस वाइज आज मैं आपको रात को जब मैं ट्रेनिंग पे जाऊँगा तो इसकी परफॉर्मेंस चेक करूँगा पहन के। तो 2-3 दिन चेक करते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसी है। देखो देखने में तो अच्छा है जो भी है, पर वेट लिफ्टिंग शूज़ का मेन फंक्शन होता है कि वेट लिफ्टिंग इसमें अच्छे से हो पा रही है नहीं हो पा रही है, और ये परफॉर्मेंस में कुछ इनहांस करेंगे कि नहीं करेंगे। जिनको सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड शूज़ चाहिए उनको मैं परफॉर्मेंस बेस्ड ओपिनियन भी दूंगा अपना, क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ एज यू नो। तो अभी मैंने शूज़ पहन लिए, पहन के मैं दिखाता हूँ एक बार। ऐसा कुछ दिखेगा आपको लोग, टैग मैंने अभी निकाला नहीं है, हो सकता है साइज़ की दिक्कत हो तो बदल लेता हूँ, पर साइज़ मेरे परफेक्ट है, मैं 9 साइज पहनता हूँ, परफेक्ट 9 मेरे को फिट आया। ये इसका साइड है, ये इसका साइड है, ठीक है। शूज़ कैसे लगे? अच्छे थे। अच्छे थे, मतलब कुछ स्पेसिफिक तो बताओ, नॉर्मल शूज़ से कैसे डिफरेंस है वो? बहुत अच्छा था। मुझे आरएक्सन हरकुलिस शूज़ यूज़ करते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और मैंने उसमें अच्छी खासी ट्रेनिंग भी करी है, हैवी स्क्वाट्स, हैवी स्नैचेस और हैवी क्लीन जर्क भी मारी है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा शूज़ है, और देखा जाए तो वुडन हील से डेफिनेटली बहुत अच्छा अपग्रेड है, और अच्छी फील है और कम्फर्टेबल भी है, और डेफिनेटली परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सिंपल करते हैं कि ये शूज़ किसको ख़रीदने चाहिए। जो लोग अभी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी जस्ट 1 महीना हुआ है या फिर 2 महीने हुए हैं उनको वेट लिफ्टिंग चालू करे हुए, तो वो वुडन हील पे स्टिक करें। वो आरएक्सन के जो 2-2.5 हज़ार के शूज़ आते हैं वो बेस्ट हैं उनके लिए, बेस्ट मतलब बेस्ट है, बहुत अच्छे से काम निकालेंगे वो, बहुत मतलब इंडिया में हर कोई वही शूज़ यूज़ करता है मोस्टली, ठीक है। तो फर्स्टली जो बिगिनर है वो उसी पर स्टिक करें, जो इंटरमीडिएट है जो 6 या 7 महीने से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हुए हो गए उसको, जो टीपीयू हील का फील लेना चाहते हैं एक बार, नाइकी रोमालियोस का जैसे अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो इंडिया में बहुत अच्छा ये अल्टरनेटिव है उसका, और डेफिनेटली वुडन हील से बहुत ज़्यादा अच्छा अपग्रेड है, और सस्ते में आपको टीपीयू हील फील करने को मिलेगी और परफॉर्मेंस में भी ज़रूर एनहांसमेंट है। इंटरमीडिएट है अगर वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उनके बजट में है तो वो कर सकते हैं,
फिर से कह रहा हूँ, जिनके बजट में है, जिनके बजट में नहीं है वो बिल्कुल मत करें। वुडन हील बहुत अच्छा काम करेगी। एडवांस है वो तो फिर ले ही सकते हैं, ऑब्वियसली ये ले सकते हैं। प्रो वुल्फ का भी एक आता है, प्रो वुल्फ PRX 900 कुछ आता है, वो 8000 के हैं। और नाइकी रोमालियस तो है ही, तो अपने अपने बजट के हिसाब से देख लेना। प्रो वुल्फ मैंने कभी यूज़ नहीं करा तो मैं बता नहीं सकता, बट बेसिकली ये नाइकी रोमालियस की बहुत सिमिलर, मतलब बहुत क्लोज कॉपी है इंडिया में, कॉपी कह लो या इंस्पायर्ड कह लो, तो नाइकी रोमालियस जैसा ही है। प्रो वुल्फ में लेदर की बिल्ड मिलती है आप सबको, वो सब देख लेना। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन मिली है, और ऐसे ही आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और वेट लिफ्टिंग के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना, बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हिट होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करवा दो। और प्लीज़ शेयर करो अपने वेट लिफ्टर दोस्तों के साथ। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैं टैग कर रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई IIT दिल्ली से है या IIT से है या एस्पिरेंट है IIT का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मैं IITs के बारे में बताता रहता हूँ, कॉलेज लाइफ दिखाता रहता हूँ अपनी, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ब्लॉग्स वगैरह, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय।